दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी लड़कियों की बात सुनकर एंकर भी शर्माई, पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई बातें भी ऐसी होती है, अच्छे अच्छे लोगों को शर्म आ जाती है। पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो कितने लड़कों का दिल तोड़ा हुआ आपने? आप ये तो अब लड़के बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? आपको कभी मोहब्बत हुई है? नहीं। करनी है? नहीं। अब कब से इतना स्वीट बोलते हैं? बचपन से। अब ऐसा कौन होता है, लड़के या लड़कियां? लड़कियां पैसे लूट के फरार हो जाती हैं। इंटेलिजेंट कौन है, लड़के या लड़कियां? लड़के। लड़के ये क्या सितम है कि सोचा भी हमने, चाहा भी हमने, और टूट भी हम ही गए। आपको क्या लगता है, बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ? आजकल तो लड़कियाँ ही हैं। एक चीज चार पांच को कहती हैं कि तुम मेरा नंबर उठाओ, नहीं तो मैंने अपनी नस काट लेनी है। सीरियसली? एग्जैक्टली। लड़कियाँ सबसे ज्यादा झूठ कौन सा बोलती? लड़कियाँ सबसे ज्यादा तो ये झूठ बोलती हैं कि ये सब नेचुरल है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। और लड़कियों से भी आपने सुना होगा लड़कों के दिमाग घुटने में होता है, लेकिन आज आपको सही मायने में पता चलने वाला है इस वीडियो देखने के बाद कि किसका दिमाग कहां पर होता है। भगवान, आज आप देखेंगे कि पाकिस्तानी लड़कियों का दिमाग कहां पर होता है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सस्यकर, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। महंगे वाली प्यारी सी खूबसूरत सी डॉक्टर हमारे समय जो इनसे गपशप लगाएंगे। असलाम, बताए। महनूर नाम तो सुना होगा। कैसी चल रही है जी जॉब वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का कितना शुक्र है? बहुत ढेरों शुक्र है अल्लाह ताला का। हमें किसको पैसे आप देती हैं, जो इनायत किसी एक पे होती है? मेरी मामा। मामा पे कितने पैसे देती हैं उनको? जो कमाती हूँ उनको दे देती हूँ। ये इतना स्वीट बोलती है ना, इतना स्वीट बोलती है। आप कब से इतना स्वीट बोलते हैं? बचपन से? बचपन से ही। अक्सर लोग ये कहते हैं यार थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं आवाज तो आ जाए। आवाज तो आए ना, ऐसे ही है। कितना कमा लेती हैं वैसे आप, जो आप सारे मामा को देती हैं, वो कितना कमा लेती? बस शुक्र है अल्लाह ताला का। नहीं, अब ऐसी बातें कैमरे में थोड़ी बताते हैं। कैमरा पे कान में बता दो। और इसने कान में भी यही बोला, शुक्र है अल्लाह का। बहुत तेज डॉक्टर है यार, बहुत तेज डॉक्टर है। नहीं, वो कहते हैं ना कि लड़कियों से उनकी एज और मर्दों से जो है उनकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, तो मर्द सेम रूल जो है वो लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। तो कितने लड़कों का दिल तोड़ा हुआ आपने आज तक? सच सच बताना। ये तो अब लड़के बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? जिस जिसका दिल टूटा हुआ है मानूर के हाथों, वो नीचे कॉमेंट पे आ जाए कि इसने किस किस का दिल तोड़ा है ना। नहीं, वैसे मैंने नहीं किसी का तोड़ा, अब उनका दिल टूट गया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आपने लिफ्ट नहीं करवाई हुई? हाँ, ऐसे तो दिल तोड़ा ना। अब वफा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। लड़कियाँ कैसे? हाउ कैन यू से दिस? बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं लड़कियों की, कुछ वैसे ही जो है आजकल पैसे लूट के फरार हो जाती हैं। ये बात तो हकीकत है। इस लड़कियों ने, ख़राब लड़कियों ने अच्छी लड़कियों को भी बदनाम कर दिया है। ये जो गोल्ड डिगर होती है ना, इन्होंने सबको बदनाम कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, इंटेलिजेंट कौन है, लड़के या लड़कियाँ? लड़के। लड़के, ठीक है। मुझे लड़कियाँ जो है ना, वो मुझे कहेंगी कि यार ये हमारे हक में भी कुछ बोल ले। लड़कों की पता, लड़कों के हक में बोल। हाँ जी, सच लड़कियाँ होती हैं समझदार, लेकिन वो सही मौके पे अपनी समझदारी को यूज नहीं करती हैं। जहाँ पे समझदार बनना होता है उधर वो बेवकूफ बन। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से है। मुझे बताएं कि 69, 79, 89 को उर्दू में क्या कहते हैं? यार मुझे उर्दू में बिल्कुल भी नहीं आता। तुक्का तो लगाओ ना, 69 को क्या कहें? 75 तो 75 हो गया, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। 69 को क्या कहें? नींद आ जा मुझे। तुक्का लगाओ ना यार। 70-70 होता है तो 69 हो जाएगा। क्या होगा बताओ ना, क्या होगा 69, क्या होगा? नहीं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। चलो 79 बता। 30 तक आती है उर्दू। 30 तक आती है, उसके आगे नहीं आती। 75 तो बोला अभी। हाँ तो वो तो चलो, वो कॉमन वर्ड है ना, तो वो बंदा सुन लेता है। 79 नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। वो कब भरा आता था? सुनाओ।
कोई नहीं आता, नौ का पारा नहीं आया डॉक्टर महानूर को। देखो कैमरे के आगे कंफ्यूज हो गई डॉक्टर, एक बार एक और चांस दिया जाता है। चले 9 1 9 9 2 18 9 3 2 27 9 4 36 5 9 5 45 9 6 54 भूल गया यार, भूल गया यार। चलो है, माफ किया आपको। कोई शेर और शायरी सुनाएंगे आज हमें? बिल्कुल आते। सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेंगे हमें, सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेंगे हमें, लेकिन ये क्या सितम है कि सोचा भी हमने, चाहा भी हमने और टूट भी हम ही गए। ये तो मुझे लगता है जुल्म ही हो गया अपने साथ, है ना। के लिए ये बस दिल से निकला है शेर। मैं बताऊँ, इसे किसी की चैट से पढ़ा है। अब मैं नाम नहीं ले रही, ये बताओ किसके लिए था ये? बस जिसके लिए था उसको समझ आ गई होगी, यानी कि शेर सही जगह पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा। कमेंट में आपने बताना है मानू ने कितने लड़कों का दिल तोड़ा। क्या नाम है आपका? महक। महक क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ? मैं अभी तो फिलहाल कॉलेज से रिसेंटली मतलब फ्री हुई हूँ ना। पेपर दे दिए? जी दे दिए। रिजल्ट आ गया? या एग्जैक्टली। सही है। अच्छा, आपको कभी मोहब्बत हुई है? नहीं। करनी है? नहीं। क्यों नहीं करनी? मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स की पास्ट स्टोरी सुनी है, लाइव देखा है, तो मुझे उनको देख के ना मैंने लेसन लिया है कि यार नहीं, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, अरेंज मैरिज की तरफ जाए। या ठीक है, आपको क्या लगता है बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ? आजकल तो लड़कियाँ ही हैं। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी अपनी दोस्तें। जी अपनी दोस्तें कहती कुछ हैं, होती कुछ हैं, मतलब ये कहती हैं एक चीज़ चार पांच को कहती हैं कि तुम मेरा नंबर उठाओ नहीं तो मैंने अपनी नस काट लेनी है। सीरियसली? एग्जैक्टली। और वो सबको भेज रही होती हैं। तो अगर सबको पता लग गया कि ये एक लड़की सबके साथ कर रही है, अल्लाह करे पता चले। मैंने तो काफ़ी के पोल भी खोले। जब वो किसी एक के साथ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आउटिंग पे, खाना शाना खाने या कुछ भी, तो बाकी चार को वो क्या कह के जाती हैं? कहती हैं अब किसी और के साथ गई है तो कहती महक के साथ जा रही हूँ, अब किसी और की कॉल आई है तो महक की कॉल आ रही है। रابطہ नहीं करना? नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट टेरिबल। एग्जैक्टली, मेरे साथ ऐसा हुआ। इवन उसके मुझे भी कॉल कर देती है कि उसको कह देना कि मैं तुम्हारे घर हूँ, और मुझे कहना भी पड़ा कि हाँ वो मेरे घर ही है, क्योंकि फिर आप दोस्त की बात भी माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। तो ज़्यादातर यानी कि एट द एंड बात यह है कि लड़कियाँ जो हैं वो बेवफाएँ। नॉट ऑल बट कुछ ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही हैं, लड़के भी होते हैं। 100 में से आप कह लो 80% लड़कियां। हाँ, अच्छा, इंटेलिजेंट ज्यादा लड़के होते हैं लड़कियां? लड़कियां। अच्छा, पक्की बात है? हाँ ठीक है। अभी मेरा आपसे ये सवाल है, 69, 79 और 89 को उर्दू में क्या कहते हैं? 69 को 59 कहते हैं। 79 कहते हैं। जी अच्छा, तो 89 को क्या कहते हैं? उसे 79 कहते हैं। उसको भी 79 कहते हैं, तो फिर 79 को क्या? इंग्लिश में पूछ लेना यार। 59 तो कहते हैं 59 को। अच्छा हाँ जी, इसको कहते हैं फिर किसको? 69 को। 69 को क्या कहते हैं? 69 बताए ना बस, क्या करें। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने, वो जरूरी लेट कर सकते हैं कि हमें उर्दू इतनी अच्छी खास नहीं, मतलब थर्ड आती है ना, अभी तक ही आती है, इंग्लिश आती है। अभी आपने कहा कि लड़कियां देखे इंटेलिजेंट, आया तो है नहीं सब। नहीं, उर्दू में थोड़ी ना, इंग्लिश आती है। हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश में ई के बाद क्या? एन। ई के बाद एन आता है इंग्लिश में। ए और बी के दरमियान में क्या? ए और बी के दरमियान में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है, ए के बाद बी आता है। ए के बाद बी आता है, लेकिन ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के बीच देखें, दरमियान में तो कोई भी नहीं आता, ए आता है उसके बाद बी आता है। चलो इसको थोड़ा आसान करते हैं, ए और बी। क्या आया ना? स्पेस। ए और बी और आया, और आता है ना, इतना आसान तो मैं नहीं बता सकती थी ना, ए और बी और। लड़कियां सबसे ज्यादा झूठ कौन सा बोलती हैं? लड़कियां सबसे ज्यादा तो ये झूठ बोलती हैं कि ये सब नेचुरल है, मतलब कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ और मेरा सब ब्यूटी नेचुरल है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और लड़के सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलते हैं? लड़के
वो लड़के ज़्यादातर ये झूठ बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये पैसा मेरा है, हालांकि उनका नहीं होता, उनके पापा का होता है। उनके पापा का होता है, ये बात लड़की ने सच कही है। दोस्तों आपने देखा पूरा वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी हाँ दोस्तों, इस पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क है। हम जिसे हिंदी कहते हैं पाकिस्तान उसे उर्दू कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 59, 69, 79 को क्या कहते हैं? दोनों में से कोई लड़की जवाब नहीं दे पाई, जबकि एक डॉक्टर थी, एक अभी पढ़ाई कर रही थी, कोई भी जवाब नहीं दे पाई। ये देखने के बाद आपको पता चलता है दोस्तों कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। खैर आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो देख करके मजा आ गया होगा। अगर आप इसी टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। लड़कियों का दिमाग घुटने पे होता है ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये कहावत सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए लागू पड़ती है। हमारे देश की लड़कियां आज चांद पे भी जा रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रह है उस पे जाने वाली है, ठीक है, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे बड़ी बड़ी डॉक्टर है हमारे देश की लड़कियां, इंजीनियर है हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां अब आजकल पॉलिटिक्स में बहुत आगे है, एजुकेशन में बहुत कुछ आगे, हर एक फील्ड में हमारे देश की लड़कियां आगे है। पाकिस्तानियों आपके वहां पे हो सकता है घुटनों पे, हमने देख लिया सबका दिमाग, बस लड़का हो या लड़की एक ही चीज दिखती है, वो है हवस। मैं मुंह पे बोलने वाला बंदा हूं, सही बोलने वाला बंदा हूं, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के आप मर्द 100 उठाओगे ना, उनमें से एक गिना सुना होगा जिसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान रखना चाहता है, कुछ प्रगति करना, बाकी सारे हवसखोरी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने जो लड़की है वो कौन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने साल है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने हराम खोर है पाकिस्तान, मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि एक बंदा है बहुत आजकल गालियाँ बोल रहा है YouTube उसकी चैनल चला के, एक दिन मौका मिलेगा ना तो बंदा तो लाइव हो जा, तेरे साथ लाइव करना है और अच्छे से धुलाई करनी है बेटा, तो बहुत कुछ आजकल उछल रहा है ना, अच्छे से तेरे को धुलाई करनी है, उछलना बंद कर दे। हम तो वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तेरे ही पाकिस्तानी तेरे मुंह पे जूते मारेंगे, ये समझ लेना। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मौका मिलेगा एक तो नाम भी यहाँ पे वीडियो में ले लेंगे हम, बाकी आप उसको अच्छे से जानते हो। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।